सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है मैं अपूर्वा मंधानी मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर ये शो लेके आए हैं जिस शो पर आप हमें अपने सवाल भेजते हैं और शेखर आपके सवालों का जवाब देते हैं तो इस शो की सही दिशा एक्चुअली आप तय करते हैं आपके सवाल तय करते हैं इस हफ्ते आपने हमें सवाल एक बार फिर कई मुद्दों पर भेजे राहुल गांधी के डिसक्वालिफिकेशन और जर्मनी और अमेरिका की राहुल गांधी विवाद पर टिप्पणी लेकर अमृतपाल सिंह और खालिस्तान आंदोलन पर कई तरह के के सवाल भेजे और आज एपिसोड का डायरेक्शन इसी आ, आ, दिशा में तय हुआ है तो चलिए शेखर शुरुआत करें आज के एपिसोड और के। सच बात यह है पूर्वक के सवालों से बहुत सीखते भी हैं बिल्कुल शेखर बिल्कुल क, कई बार ये लगता है कि अरे बात तो हमने ये एंगल सोचा नहीं था हा, हा, हा। तो हमारे दर्शक जो हैं और हमारे सुनने वाले पढ़ने वाले वो भी बहुत शेखर दुनिया भर के हर मुद्दे पर पैनी नजर बनाए हैं। और हम थोड़ी सी गलती कर ले तो, तो सच्चाई है।, इस, है।, है हमारे आए हैं है। वो पूछ रहे हैं उनका नाम है शिवरामा कृष्णा पूछ रहे हैं कि अमेरिका और जर्मनी भारतीय लोकतंत्र के बारे में टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जबकि हम शायद ही कभी विदेश मंत्रालय को बाकी देशों पर बात करते हुए देखते हैं क्या भारत को बाकी लोकतंत्रों में हो हर चीज पर टिप्पणी करनी शुरू कर देनी चाहिए आंतरिक मामलों में दूसरों के इंटरवेंशन के बारे में आपकी क्या राय है क्या ये आ मुझे मार सिंड्रोम है देखिए अगर आप ध्यान से देखें और इनको ध्यान से सुने आप वो ना देखें कि किसी ने ट्वीट क्या कर दिया है फेसबुक में क्या कह दिया है हेडलाइन क्या है आप इनकी रिकॉर्डिंग सब रिकॉर्डिंग है उपलब्ध है इनको सुनिए वो क्या है कि जो उनका स्पोक्स होता है वो प्रवक्ता होता है जी। वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ये रूटीन है सब देशों में हमारे यहाँ भी है एनडीए का होता है आप उसमें सवाल पूछा तो उसमें सवाल पूछा तो वो उसका जवाब किया दिया। ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक जवाब है कूटनीतिक जवाब है जवाब ये हाँ, है कि हाँ जो स्थिति हम देख रहे हैं हर देश में कानून व्यवस्था जो खास करके लोकतंत्र है हर लोकतंत्र में कानून व्यवस्था अच्छा काम करनी चाहिए और उसी को हम देख रहे हैं जी। तो इसमें कोई हमें इतना घबराने की बात नहीं है हाँ ये जरूर है कि अब कांग्रेस पार्टी का भी कोई जीनियस ऐसे होता है जैसे दिग्विजय सिंह है जिन्होंने उसका स्वागत कर दिया तो उससे फिर एकदम आग दोबारा लग जाती है कि अरे वो जर्मनी वाले आके आपको थोड़ा कुछ करेंगे बदलेंगे या अमेरिका वाले तो नहीं करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अगर आप हमारे भी जो एम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लीजिए अरे अमेरिका में तो इतनी शूटिंग हो रही है आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी कहते कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि भारतीय मूल के किसी नागरिक को ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है जैसे कि पहले हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा जयशंकर जी ने भी कहा कि वी ऑल्सो कॉन्फ्रेंस पे कहा ना जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका वाले कहते हैं कि आपके देश में मानवाधिकार के ऊपर बहुत समस्या है तो बोले हाँ वो बात कहते हैं सुनते हैं हमारे को भी कई हमारी बातचीत चलती रहती है हमारे को भी बहुत चिंता है कुछ मानवाधिकार के बारे में अमेरिका में तो ये सर इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है ये भारत कोई शीशे का बना हुआ नहीं है कि नहीं। किसी के कोई कोई फूक मारेगा गिर जाएगा और टूट जाएगा लेकिन ये जरूर है कि एक दिन का दो दिन का टीवी चैनल्स को भी शोर करने का मौका मिल जाता है और एक बात एक बात कहने की मिल जाती है लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम भारत सरकार से कहते हैं कि राहुल गांधी को छोड़ दो किसी ने ये नहीं कहा कि जो भारत में कोर्ट ने फैसला किया है वो गलत फैसला किया है जिसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है ऐसे कोई नहीं कह रहा सब कह रहे हैं अभी देख रहे हैं कि कोर्ट के प्रोसेस ठीक चले पार्लियामेंट के प्रोसेस ठीक चले सबको न्याय मिले जैसे कि कोई डेमोक्रेसी में होना चाहिए तो ये तो कुछ ऐसे ही है जैसे हम अंग्रेजी में कह दें ऑल ऑल मैन एंड वीमेन शुड हैव गुड मॉरल कैरेक्टर सबका चरित्र अच्छा होना चाहिए हुँ, अब हुँ, कौन कैसा चरित्र करता है ये उनकी श्रद्धा की बात है शेखर राहुल गांधी से जुड़े काफी हमारे पास सवाल आए हैं इस बार कल्पेश संघवी जो कि हमारे मेंबर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विपक्षी दल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप उनकी टिप्पणी सावर में सावरकर नहीं हूँ वे गांधी कैसे हैं उनका महात्मा गांधी से कोई खून का रिश्ता तो है नहीं नहीं देखिये किसी का किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं होता मैं आपके सवाल का दूसरे हाफ का जवाब पहले दे रहा हूँ ये तो सिर्फ कहने की बात है कि अब कल को कोई खड़ा होके बोली मैं मार्टिन लूथर किंग हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे कोई रिश्तेदार है उसका मतलब है कि मैं उसका अनुसरण करता हूँ तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी का अनुसरण करता हूँ सावरकर का नहीं करता हूँ ये भी उन्हें कहने का हक है लेकिन उसमें जो इम्प्लीकेशन है वो एक राजनीतिक बात है वो राजनीतिक बात यह है कि सावरकर ने माफी मांगी थी मैं माफी नहीं मांगता अब उस बात से क्योंकि राजनीतिक बात है और आइडियोलॉजिकल बात है जी। एक आइडियोलॉजी के लोग जो हैं और एक राजनीति के जो एक ध्रुव की तरफ हैं वो इस बात से प्रसन्न होंगे जो लेफ्ट वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं कांग्रेस आजकल आजकल ज्यादा लेफ्ट ही है लेकिन जो दूसरी तरफ है जो बीजेपी की तरफ है बल्कि शिवसेना भी आप देख लीजिए जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं वीर सावरकर कहते हैं उनको वे बा, वो बात बहुत, बहुत बुरी लग गई तो ये राजनीतिक बात उनका जो ये है राजनीतिक मैं इस साइड पे हूं मैं उस साइड पे हूं मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इंदिरा जी जब थी तो इंदिरा जी के समय ही फिर सावरकर का देहांत भी हुआ था इंदिरा जी के समय में सावरकर के ऊपर एक पोस्टेज स्टैम्प भी निकाली गई थी और सावरकर जी जो परिवार था मित्रगण थे वो एक लाइब्रेरी उनके लिए बनाना चाहते थे जिसके लिए इंदिरा जी ने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से ग्यारह हजार रुपए भेजे थे अच्छा और उस चिट्ठी में भी वीर सावरकर बोला है क्योंकि उनका नाम वीर सावरकर तो वो इंदिरा गांधी बहुत तजुर्बेकार राजनेता थी तो उनको पता था कि चाहे उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो उनकी आइडियोलॉजी चाहे सावरकर के साथ ना जाती हो लेकिन वो इस बात के ऊपर पोलराइज नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक तो उनको पता था कि स्वतंत्रता संग्राम में हर आइडियोलॉजी के लोग आए थे उसमें सावरकर एक तरफ बहुत राइट के इंसान थे उसी में भगत सिंह एक्सट्रीम लेफ्ट के इंसान थे वो इसलिए साथ आए क्योंकि सबका निशाना एक था रस्ते अलग अलग है ठिकाना तो एक है सब एक तरफ जा रहे थे तो उसके बाद स्वाधीनता के बाद जब हमारे यहाँ राजनीति आई हमारे इलेक्शन शुरू हुए तभी आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन शुरू हुए तो वो उसमें नहीं पढ़ना चाहती थी और दूसरी बात वो बहुत तेज थी रा, राजनीतिक तरीके से आ, वो राजनीति जानती थी वो सावरकर को भी आरएसएस या बीजेपी उस टाइम जनसंघ होती थी उसको हैंड नहीं करना चाहती थी हुँ. उनका कहना था जो स्वतंत्रता संग्रामी था संग्रामी था वो सब एक साथ थे कोई किसी रस्ते गया कोई किसी रस्ते गया तो वो जो आजकल की कांग्रेस का नेतृत्व है ख़ास करके जो राहुल गांधी का है वो इतने गहरे नहीं हैं उनको जो किसी ने चार लोगों ने समझाया और वाह वाह मिल गई तो उसके साथ हो गई क्योंकि आज के ज़माने में वो सावरकर का इशू क्यों बना रहे हैं ये मैं आपको एक सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात बता रहा हूँ विश्लेषण की कि इससे उन्हें बहुत ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले क्योंकि उनका चुनाव तो जेएनयू में है नहीं और जेएनयू में भी जाएंगे तो सावरकर को वो तो इतना ही कहेंगे वहां तो सावरकर को जो वहां के वामपंथ है वो तो कुछ, कुछ और कुछ कुछ और भी कहेगा तो उन वामपंथियों के में राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आ, वो जो लेफ्ट है वो बहुत ही लेफ्ट है जी। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे नहीं लगता सच्ची बात यह है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इससे उनको पॉलिटिकल राजनीतिक फायदा नहीं होगा अगला सवाल श्रेणिक मेहता का है वो पूछ रहे हैं कि शेखर क्या आपको लगता है डिस्कालिफिकेशन का सारा नाटक राहुल गांधी और कांग्रेस का खड़ा किया गया है ना कोई बड़ा वकील गया ना केस को खारिज करने की कोशिश आज तक अपील नहीं है देखिए पहली बात तो ये कि जैसे पूर्व आपको बताएंगे मेरे से बेहतर कि जो लोकल कोर्ट होते हैं जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उनमें जरूरी कोई बहुत बड़े वकील नहीं जाते उसमें उस जगह के बड़े वकील जो हैं हैं वो जाते तो डिस्ट्रिक्ट के तालुका के जो होते हैं वो जाते हैं ये कोर्ट जो था इसकी जो थी जिसका प्रोसेस है वो गुजराती भाषा में है इसका जो ऑर्डर आया है वो भी गुजराती भाषा में है तो उसके अंदर आप कपिल सिब्बल को तो नहीं भेज सकते अपील के लिए तीस दिन मिले हुए हैं अब ये सोचना अब मुझे को राहुल गांधी ने बताया नहीं मैंने उनसे पूछा नहीं कि अपील करने वाले हैं कि नहीं करने वाले लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम अपील करने वाले हैं तो उनके पास तीस दिन है देखते हैं कहाँ अपील करेंगे वो सेशन कोर्ट में करेंगे वहाँ पर या उसके ऊँचे किसी कोर्ट में जाएंगे या सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये बात सब देखने वाली है लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अपील होगी ये नहीं करेंगे कि मैं अपील ही नहीं करता क्योंकि उसका मतलब फिर दो साल जेल जाना होता जी, है जी। और जेल हमारे यहाँ मान में कुछ लोग हैं जिनको सजा हुई है लेकिन कोई गया नहीं है हुँ, हुँ. क्योंकि एक बार ये सस्पेंड हो जाता है फिर सस्पेंडेड ही रहता है तो दो एक पत्रकार भी हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता अच्छे पत्रकार हैं और उनमें से एक तो ऐसे है जिनको करीब मैं कहूंगा कि तीस साल पैंतीस साल हुए यही सजा हुई है अच्छा। लेकिन उसके बाद एक बार जब सस्पेंड हो जाता है कन्विक्शन तो उसके बाद आगे चलता नहीं है तो आ, आपको ये सोचे कि मैं मानहानि के लिए जेल चला जाऊंगा और हीरो बन जाऊंगा तो देखिए ये आज़ाद देश है आपको जो जो चाहिए आप करिए करिए लेकिन लगता नहीं कि वैसे करेंगे तीस दिन के अंदर अंदर अपील होने वाली है शेखर अगला सवाल जो है मेरे ख्याल में दर्शक जो है वो आपकी कहानियां भी मिस कर रहे हैं तो अगला सवाल महेश शंकरा का है जो कि हमारे मेंबर हैं वो बोल रहे हैं कि पहले एक एक, एक, एपिसोड में एसजी ने मेंशन किया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान तीन पत्रकारों को छोड़कर बाकी सभी को दिल्ली ले जाया गया था क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आप तीनों कैसे वहां रहने में कामयाब रहे देखिये ये नहीं कि उन्होंने तीन को छोड़ दिया था वहां पर वो सबको ले जा रहे थे हमारे होटल में भी आए थे क्योंकि अमृतसर में रिट्स होटल उस समय एक ही बड़ा होटल था अब तो बहुत सारा अब वहाँ पे एक हाइट भी है एक ताज भी है बहुत कुछ है उस समय एक रिट्स होटल होता था तो ज़्यादातर पत्रकार वहाँ पे रहते थे तो हम सब वहां पे थे तो वहां आर्मी और पुलिस वाले आए लोकल पुलिस आर्मी को लेके आई वो बसे लेके आए थे कि बसों में बैठिए और रात को आप चलिए आपको निकाला मिल गया यहां से ऑर्डर है कि आप निकलिए तो काफी वहां विदेशी पत्रकार थे जैसे मार्क टेली भी थे तो वो तो फॉरनर हैं तो उनको एक बार ऑर्डर मिला भारत सरकार ने तो वो फॉलो करना पड़ेगा तो वो बैठ गए लेकिन उसमें हमारे देश के जर्नलिस्ट भी मोस्टली बैठ गए उनको भी कहा बैठिए 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 तो किसी ने बहुत सोचा नहीं कि कोई ऐसा कैसा ऑर्डर हो सकता है कि जिसमें जो भारतीय पत्रकार है उसको आप निकाल सकते हैं तो कोई और तरह का ही ऑर्डर होगा हाँ। तो, तो हमने कहा भाई हम तो भारतीय हम नहीं जाते जी तो उस होटल में मैं था अकेला जो वहां रह गया सुभाष किरपेकर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के वो एक और होटल में थे और ऐसे ब्रह्मा चलानी थे उस टाइम एसोसिएटेड प्रेस के अः कॉरेस्पॉन्डेंट थे जो आजकल हमारे यहाँ सामरिक मामलों के बहुत विशेषज्ञ हैं चीन के ऊपर बहुत बोलते हैं तो ये अलग हम तीन अलग अलग जगह थे तो हम आपस में हमने कोई नोट एक्सचेंज नहीं किए लेकिन हमें तीनों ने अलग अलग जगह पे फैसला किया भाई हम तो नहीं जाने वाले इतनी बड़ी स्टोरी होगी और जाते जाते फिर रघुराय जा रहे थे रघुराय को हमारे फोटोग्राफर थे तो वो तो सुपर स्टार फोटोग्राफर थे तो उस टाइम तो ऐसे होता था कि अरे रघुराय आए हैं उनके साथ एक रिपोर्टर भी आया है क्योंकि वो तो सुपर थे तो उन्होंने कहा मुझे भी जाना है तो मैंने उनको बहुत समझाया कि देखो रघु मत जाओ क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है आप मिस करोगे तो, तो रघु ने कहा नहीं मेरी कमिटमेंट है टाइम मैगजीन को थी कि मुझे मदर टेरेसा के ऊपर एक फीचर करना है तो मुझे कलकत्ता जाना है तो फिर जब जा ही रहे थे मैंने कहा रघु जाते जाते तुम्हारे पास इतने कैमरा कैमरे हैं एक कैमरा मेरे को दे जाओ तो उन्होंने मुझे कैमरा दे दिया जैसे बस में चढ़ते चढ़ते हाँ। फिर मैंने कहा ठीक है कैमरा तो दे रहे हो इसको चलाऊंगा कैसे जी। क्योंकि आजकल के जैसे कैमरे तो थे नहीं हुँ, हुँ, हुँ। जो हमारे यहाँ अरुण उस टाइम कहते थे कुछ कैमरे होते हैं जो उस टाइम आए थे कुछ कैमरे हमारे होते होते वहां पे करीब अठासी नवासी के आसपास आ गए थे जो एम एंड शूट तो उसने कहा ये कैमरे फुल प्रूफ है लेकिन खींचनी नहीं आती तो, आ, तो मैंने रघु से दो फोटो थी जो बाद में छपी और वो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे भी फोटो दिखाई जाएगी वो फोटो थी कुछ लुंगी में सिख लोग हैं उनको आर्मी के लोगों ने पकड़ा हुआ है और उनको रस्सी से बांधा हुआ है तो वो फोटो कैमरे से खींची गई थी तो उस समय रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि जब मैं होटल में रहा तो उस होटल में फिर एक ही में गेस्ट रह गया बाकी सब चले गए अब किचन बंद हो गया स्टाफ अच्छा, एक के लिए तो आएगा नहीं हुँ। तो फिर वो जो महराज थे होटल के ओनर्स उनके घर से जब उनका अपना खाना बनता था तो मेरे लिए भी खाना आ जाया करता था और फिर धीरे धीरे क्योंकि कर्फ्यू टोटल कर्फ्यू था आर्मी का कर्फ्यू था कभी कभी पैदल सड़क क्रॉस करके किसी दोस्त के घर चले गए या कभी कर्फ्यू में ढील दी गई तो सब लोग निकलते थे सब्जी खरीदने के लिए तब थोड़ा घूमाए तो वो काफी आ, मुश्किल समय था और रात को जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो हम होटल की छत पर थे छत से फ्लैशेस सब देख रहे थे शोर जो बॉम्ब्स का और फायरिंग का वो मेरे पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर था उसमें एक टेप में रिकॉर्ड भी कर लिया था अच्छा आ, तो ये सारी बातें थी अभी कहने के लिए कहानियां हो जाती है वैसे आप अगर इसकी डिटेल में सुनना चाहें तो मैंने कट तक लेटर के चार एपिसोड किए हैं सन चौरासी के ऊपर उन चारों के लिंक हम आपको साथ शेयर करेंगे अपूर्वा शेयर लगाएंगे उन सबको डिस्क्रिप्शन के साथ आप उनको सुनिए किसी समय जब मौका लगेगा मेरी हिम्मत होगी आ, तो मैं पूरे के पूरे हिंदी में भी कर दूंगा चलिए शिखर ठीक है उन सबके लिंक में इसके साथ जरूर ऐड कर दूंगी अगला सवाल जो है शिखर वो एस मेल का है जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि अमृतपाल के कारण खालिस्तानी रिटोरिक भारतीय का वैंडलिज्म और भारतीयों पर हमलों का रिसर्जेंस हुआ है इसका यूके और कैनेडा के साथ भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या रिश्ते और बिगड़ने का खतरा है क्या ट्रेड टॉक्स भी एक तरह के लिंबों में अटक गए हैं देखिए यूके के साथ इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूके की सरकार राइट की सरकार है कॉन्जरवेटिव सरकार है और उनके वोट बैंक आ, वर्किंग क्लास सिखों में नहीं है कनाडा के साथ हमेशा ही हमारा उल्टा सीधा ही रहा है जी। और देखिए कनाडा के साथ बड़ी पेचीदा एक हमारी रिश्तेदारी रही है जैसे कि पहले भी आ, मेरे 85 सन पचासी में जो एयर इंडिया का प्लेन था जम्बो जेट था जी, जिसकी बॉम्बिंग हुई थी वो कनाडा से हुई थी उसके बॉम्बर भी कैनेडा में रहने वाले लोग थे सिख लोग थे तो कनाडा में क्योंकि जो लेबर है वहां पे जो लेफ्ट की पार्टी है जो आजकल सत्ता में है थ्रू टूडो की पार्टी उसको माइनॉरिटी वोट बहुत चाहिए सिख वोट मुस्लिम वोट तो माइनॉरिटी वोट बैंक्स के बिना वो आगे नहीं जा सकते हैं और वहां पे एक समस्या है अब कनाडा उसे कैसे संभालता है लेकिन ये भी सच है कि सन चौरासी पचासी के मुकाबले आज के जमाने में दो हजार इस जमाने में आतंकवाद के लिए दुनिया में किसी के अंदर कोई पेशेंस नहीं है और कोई देश अगर ऐसे लगे कि आतंकवादी शक्तियों को वो बढ़ावा तो छोड़ दीजिए वो उनको कंट्रोल नहीं कर रहा नियंत्रण नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है तो दुनिया में उसकी बहुत भर्सना भर्सना होगी और देखने की बात है कि कितना आगे जाता है शोर शराबे में झंडे वंडे में कभी जाके कहीं कुछ कर दिया वो तो चलिए अलग बात है आ, लेकिन अगर भगवान ना करे भारतीय किसी राजदूत के किसी अधिकारी के ऊपर कोई हमला हो जाए फिर बोलूँगा भगवान ना करे गॉड फॉर बेड तो उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं पर मुझे लगता नहीं अब ये भी बात है कि थोड़ी सी इसके अंदर मेरे को विशफुल थिंकिंग भी है कि ऐसा ना हो क्योंकि जो इंसान अपने देश की सेवा कर रहा है काम करने के लिए गया है बाहर उसको जान माल जान माल की पूरी सुरक्षा उसकी और उसके परिवार की होनी चाहिए उसके अलावा कोई देश कोई देश ये कहने वाला नहीं है कि हम ये अलगाबाद को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान भी नहीं कहेगा और कोई कहेगा भी तो पाकिस्तान उससे मना करेगा वैसे पाकिस्तान को तो अभी रोटी पानी के लाले भी पड़े हुए हैं हम्म हम्म अगला सवाल जो शेखर है वो है आदित्य का जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि कांग्रेस यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है जबकि भाजपा और एनडीए यह कह कहकर इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार के तहत यह केंद्रीय एजेंसियां और ज़्यादा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो गई हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर रही हैं क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव विकास और इलेक्शन मैनिफेस्टो के वादों को पूरा करने के बजाय भ्रष्टाचार के नैरेटिव पर लड़ा जाएगा देखिए ये भ्रष्टाचार का नैरेटिव बड़ा साफ है जो जिस साइड पे है पॉलिटिक्स की वो उसी को मानता है अब कर्नाटका में चुनाव होगा तो उसमें डी के शिव कुमार को इतने दिन जेल में बंद रखा ई डी सी बी आई के केस रहे किसी और के ऊपर रहे आ, इसका कोई उनके वोटर पर असर नहीं होगा जी और बीजेपी के वोटर को उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको तो बीजेपी को वोट देना ही है जो मार्जिनल वोटर होता है जो बीच में होता है उसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता वो ये देखता है कि मुझे सरकार कैसी चली थी अगली सरकार कैसी चाहिए मैं इससे खुश हूँ कि नहीं हूँ क्योंकि जो एक चुनाव होता है ये सारी इलेक्टोरेट के साथ नहीं होता क्योंकि उसमें जिसका ऑलरेडी माइंड बना होता है जिसने बीजेपी को देना है वो बीजेपी को देगा जिसने कांग्रेस को देना है वो कांग्रेस को देगा जब मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं उसके बीच में जो पांच छह प्रतिशत होते हैं उनमें कुछ चांस होता है जो माइंड चेंज करेगा उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता उनको और इश्यूज देखने होते हैं और जहाँ तक कांग्रेस का वोटर और बीजेपी का वोटर है बीजेपी का वोटर तो सोचते हैं कि सारे कांग्रेस के करप्ट हैं और कांग्रेस का वोटर या अपोजिशन का वोटर चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो वो हमेशा सोचेगा कि जो हमारे नेता के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए सब झूठ जी तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला मैं नहीं समझता कि दो में करप्शन का इशू था और करप्शन के इशू भी ज्यादा इसलिए नहीं बना था क्योंकि बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था वो इसलिए बनाया था इसलिए बना था कि उसके पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल इन सब लोगों ने मिलकर वो समाप्त बनाया था अगला सवाल सिद्धार्थ रेड्डी का है जो कि हमारे मेंबर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या प्लीज राजस्थान द्वारा हाल ही में बनाए गए राइट टू हेल्थ से जुड़ा जो कानून लाना चाह रहे हैं वो उस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे आ, क्या ये लोगों के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में कोई भी निजी अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करेगा क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है और दूसरी ओर गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और डॉक्टर और कर्मचारी ओवरबर्डन है वो बोल रहे हैं देखिए मैं आपके साथ हवाबाजी नहीं करूंगा कि इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन शुरू कर दूं क्योंकि मैंने इसका इतना अध्ययन नहीं किया है जी। लेकिन हमारे रिपोर्टर अभी गई हुई हैं राजस्थान में और एक आध दिन में आप देखेंगे लंबी लंबी स्टोरीज आनी शुरू हो जाएंगी डिटेल में और उसके अंदर इसका अच्छा विश्लेषण भी होगा तब हम कह पाएंगे दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे देश में हर तरह की हेल्थ केयर चाहिए हर तरह की सुविधा चाहिए चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे वो पढ़ाई की हो उसमें सरकारी भी चाहिए प्राइवेट भी चाहिए प्राइवेट से जो है वो फेयर होनी चाहिए उसका उसका जो दाम है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए प्रोफिटरिंग नहीं होनी चाहिए और और उसका रेगुलेशन ठीक से होना चाहिए लेकिन प्राइवेट होना चाहिए गवर्नमेंट की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए जितनी है उससे इतने लोग गरीब लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या बच्चे भेजते हैं क्योंकि सरकारी जो संस्थान है उनकी क्वालिटी खराब है तो ये सब दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए तो इसमें कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है इलाज नहीं है लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि गरीब भी जा सके अब उसके लिए उसका खर्चा कौन देगा वो सरकार एक ये मेरा सुझाव है मैंने कि बिल नहीं स्टडी किया वो सरकार अपनी तरफ से एक हेल्थ इंश्योरेंस बना के उससे हॉस्पिटल्स को कॉम्पेंसेट करे जी। तो मुझे लगता है अभी तो चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में कुछ ये एकदम जल्दी में भी किया जा रहा है तो ये सब कुछ होगा लेकिन अल्टीमेटली जिसको कहते हैं फाइंडिंग ए बैलेंस जैसे नाव भी बहुत हिलती है कभी लेनें आती हैं या प्लेन आप जा रहे होते तो हिलता है जब टर्बुलेंस आती है थोड़ी देर के बाद वो बैलेंस अपना ढूंढ लेता है कुछ ऐसे बैलेंस में ढूंढा जाएगा पर मुझे लगता नहीं कि ये कानून अब आ गया तो ये अब आ, कानून अब खारिज होगा अगर कल को मान लीजिए राजनीति है कल को किसी और की कि सरकार भी आ जाए तो भी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कानून अब वापस होगा जी अगला सवाल टोमेटो का है वो पूछ रहे हैं कि कि क्या आपको लगता है कि ये खालिस्तान फेज एक्चुअली में भारत के लिए जी ट्वेंटी समिट प्लान से डिस्ट्रैक्ट या उनको डिस्टर्ब करने के लिए है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है जी हर साल होता है हर साल कोई देश उसका चेयर होता है और बाय रोटेशन होता है तो इसमें कोई ये नहीं कि भारत के लिए दुनिया ऐसे प्लान करेगी दुनिया में कोई किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है थोड़ा पाकिस्तान है थोड़ा चीन है ये अपनी अपनी कुछ खुराफात करते हैं पर उसके अलावा दुनिया में कोई फालतू किसी के पास टाइम नहीं है जी। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि हमारे पश्चिमी देशों को बहुत कहा जाता है वेस्ट ये कर रहा है वेस्ट वो कर रहा है अरे आपके तीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी बार बार जाके कह के आए हैं अमेरिका में वाशिंगटन में भी वाइट हाउस में और भारत में भी कि अमेरिका हमारा एसेंशियल एल आई है क्योंकि आपका वो साथी है आपका वो सामरिक साथी है आप उसके साथ क्वाड में मिले हुए हैं आप उससे इतनी इंटेलिजेंस एक्सचेंज करते हैं हर चीज के ऊपर अब खबर देखी आई है कि जब भी अरुणाचल में जो चीन के लोग आए थे जिनको हमारे लोगों ने ठीक से संभाला लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्हें धक्के धक्के भगा दिया उसकी खबर भी हमें अमेरिका के उपग्रहों से मिली थी इसमें कोई सीक्रेट नहीं है यह हर किसी को पता है कि लद्दाख में अरुणाचल में सिक्किम हर जगह में हमारी खबर हमारे भी उपग्रह हैं सेटेलाइट से लेकिन हमारे काम है तो कभी दो दिन में या तीन दिन में एक पास होता है उसका अमेरिका के तो मेरे ख्याल आधे घंटे के बाद एक सैटेलाइट का पास होता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है वो हमें मिल रही है तो इस समय हर दीवार में और हर हर कोने में भूत देखने का फायदा नहीं है क्योंकि आ, ये जो पहली बात तो ये जब कह रहे हैं ना खालिस्तान अमेरिकों में आमतौर पर इस शब्द को यूज नहीं करते क्योंकि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है कि वाई पेंट द डेबल ऑन द वॉल कि आप शैतान की तस्वीर अपनी दीवार पे बनाएंगे तो अपने घर में बैठ जाएगा कोई ऐसी बात ना हुई है ना होने वाली है ये सिर्फ एक बात चढ़ाने के लिए कही जाती है एक सिख रेडिकलिज्म है और एक सिख ग्रीबंस है अब ग्रीबंस ठीक हो गलत हो जस्टिफाइड हो नहीं हो वो अलग बात है लेकिन जब एक समुदाय में एक ग्रीबंस होता है एक दिल में चोट लगी होती है तो आप ये नहीं कह सकते अरे तुम्हें कैसे कह सकते चोट लगी मैं तो नहीं मानता आपको उससे बात करनी है भाई बता तो सही तू मेरा भाई है तू मेरी बहन है तू मेरे परिवार का सदस्य है तेरे को क्या प्रॉब्लम है सदस्य तेरे को मेरे से प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ तेरे को किसी और चीज से प्रॉब्लम है तो देखें क्या कर सकते हैं आपको अपने देशवासियों की बात सुननी होती है आप ये नहीं कह सकते जज नहीं कर सकते अरे तुम सब बलगाववादी और भाड़ में जाओ ऐसे नहीं होता है ऐसे कोई देश इकट्ठा नहीं रहता और भारत ऐसे करता भी नहीं है आप किसी की भी सरकार हो आप देखिए जिसको भी ग्रीवेंस होता है ना किसी न किसी स्टेज पे सरकार उससे बात करती है देश की इलीड्स उससे बात करती हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियां उससे बात करती हैं इसीलिए आप देखें कि जो डेमोक्रेटिक देश हैं जो कि लोकतांत्रिक देश हैं वो बहुत कम टूटते हैं मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ इसमें आ, कि आप देखें कि सन पैंतालीस के बाद सन पैंतालीस में द्वितीय युद्ध ख़त्म हुआ तो आप कहें कि उसके बाद दुनिया भर में डी शुरू हुआ क्योंकि मेनली से सबसे बड़ा कॉलोनाइजर तो ब्रिटेन था उनकी शक्ति गई फ्रांस थे उनकी पहले जानी शुरू हो गई थी नीदरलैंड्स थे सब लोग डी तो कॉलोनाइजेशन हुआ तो बहुत नए देश बने या पुराने देश नए रिपब्लिक बन के निकले गणतंत्र बन के निकले और ऐसे ही बीसवीं सदी में बहुत देश नए बारी 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 बारी, बारी बने तो सन पैंतालीस के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई उसमें जितने नए रिपब्लिक बने उनमें से नए बने उनमें से कितने और ये मैं बोल रहा हूं पूरी बीसवीं सदी में देख लीजिए इसलिए सोवियत यूनियन भी आता है कितने जैसे के जैसे के थे वैसे रहे नहीं टूटे अब अब सोवियत यूनियन तो ग्यारह में टूट गया है ना अब वो लड़ाई इसलिए हो रही है कि पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन तो कभी अलग देश था ही नहीं अरे उन्नीस में टूट गया अब तो मैं याद आया कि अलग देश नहीं है बत्तीस साल के बाद रूस टूट गया चेकोस्लोवाकिया एक होता था इस टाइम वो चेक रिपब्लिक है ना चेक रिपब्लिक एक है स्लोवाकिया अलग है अलग अलग उसमें बन गए युगोसला एक होता था मार्शल टीटो का सर्बिया क्रोएशिया मॉन्टेनेग्रो कोसोवो ये सभी उस एरिया में बन गए नॉर्थ मैसेडोनिया कितने कितने अलग अलग देश बन गए अफ्रीका में ज़्यादातर देश बहुत सारे देश टूट के अलग अलग बन गए पाकिस्तान टूट के दो बन गया तो ऐसे में इंडोनेशिया uh, वो भी एक तरीके से टूटा क्योंकि उसमें से भी ईस्ट टिमोर निकल गया क्योंकि उसमें बहुल जो था अब, आ, जो मेजॉरिटी थी वो क्रिश्चियंस की थी और वो मोहन भागवत बार बार अपनी स्पीचेस में ईस्ट टेमोर का एग्जांपल भी देते हैं पूर्वी टिमोर का लेकिन दुनिया में एक आधी ऐसा देश, देश है जो जैसा बना वैसा ही रहा और वो भारत है दूसरा मेरे को दूसरा ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कभी मैं इंडोनेशिया बोलता था लेकिन उसमें फिर आपको ईस्ट एक, एक उदाहरण है हो सकता है तंजानिया लेकिन तंजानिया में क्या विविधता है और भारत में क्या विविधता है भारत एक ही देश अब सोचिए बड़ा देश सन पैंतालीस के बाद जैसा बना था वैसा का वैसा रहा बल्कि हर दशक के साथ पहले से ज्यादा अभी मजबूत हो गया तो भारत ऐसे टूटने वाला देश नहीं है कि कोई कुछ कह दे वो टूट जाएगा क्योंकि भारत में अब इतनी भी परिपक्वता मेच्योरिटी आ गई है कि हमारे यहाँ कोई अलगाववादी अगर फोर्स होती है मूवमेंट होता है तो उसको हम अपनी पॉलिटिक्स में ही उसका समावेश कर सकते हैं और ऐसे ही पहले ही हुआ था पंजाब में अब तो खैर वो वो स्थिति है नहीं उस स्थिति के आसपास भी नहीं है जी। लेकिन अ, लेकिन अभी ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस आ गई है बहुत लोग जागरूक हो गए पंजाब में भी लोग जागरूक हो गए और मैं समझता हूँ कि इसको भी जल्दी से ठंडा कर दिया जाएगा शिखर अगला सवाल आशुतोष बग्गा का है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध जल्द ही अपने अगले फास्ट मूविंग फेस में प्रवेश करता दिख रहा है और हालांकि शांति के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं चीन द्वारा अगर ये युद्ध अगले दो तीन सालों तक चलता है तो क्या भारत को रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम देखते हैं वो बोल रहे हैं कि इनकेस रूस पर और सैंक्शंस होते हैं जिससे वो इक्विपमेंट देने में असमर्थ हो जाता है या चीन पाक के और आ जाता है ऐसी स्थिति में। देखिए ये बहुत स्थिति है आप कोई कह नहीं सकता कब तक चलेगा पहले तो ये सोचा ही नहीं था कि एक साल चलेगा जी जी। बल्कि मैंने खुद ही लिख दिया था कि जी. जब तक आप मेरा आर्टिकल पढ़ेंगे कि के ऊपर कब्जा हो जाएगा और मेरा आर्टिकल मैंने फ्राइडे को लिखा सैटरडे uh, को आता है आर्टिकल तो मैंने सोचा संडे तक हो जाएगा क्योंकि उस दिन वो के uh, आसपास के अंदर ही आ गए थे कुछ जैसे आप समझिए कि जैसे कि जैसे कि उसके जो सबर्ब थे वहां पे आ गए थे जी। लेकिन फिर उल्टा हो गया तो अब एक साल से ऊपर चल रहा है और लड़ाइयां लंबी चलती भी हैं ईरान और इराक की देखिए आठ साल चली नहीं। और जहां थी लाइन शिफ्टिंग हुई वहीं से लड़ते रहे एक दूसरे के ऊपर गोले फेंकते रहे तो जैसे दो पड़ोसियां एक दूसरे के ऊपर केले के छिलके फेंकते रहे केले के छिलके तो केले के छिलके बुरे लगते हैं लेकिन ये तो बॉम्ब थे आर्टिलरी के तो आ, उसके क्या परिणाम होंगे अभी सोचना मुश्किल है भारत रशिया से अपने आप को डीकपल करना ऑलरेडी काफी समय से शुरू कर चुका है अब आप देखिए पिछले पांच सात साल में सिर्फ एक जो मिसाइल एस फोर हंड्रेड है क्योंकि उसका सानी कहीं और हमें अवेलेबल नहीं था उसके अलावा नया कोई बड़ा ऑर्डर रूस को नहीं दिया गया है और लगता है नहीं कि कोई, कोई नया बड़ा ऑर्डर अब दिया जाएगा लेकिन भारतीय सेनाओं के पास जो पुराने उपकरण है बहुत बड़े बड़े अगर हमारे टैंक आप देखिए तो पचानवे सत्तानवे तक हमारे टैंक रशियन सोवियत ओरिजन के हैं सत्तर uh, प्रतिशत हमारे फाइटर प्लेन रशियन सोवेत ऑरिजन के हैं uh, हमारी नेवी का जो फ्लैगशिप अभी है आई एन एस विक्रमादित्य है ये भी रशियन है गोशकोब है uh, ऐसे हमारे बहुत मिसाइल सब कुछ हैं uh, काफ़ी पनडुब्बियाँ भी हैं तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ओवरनाइट या एक साल में नहीं बदलती हैं लेकिन बदलने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी है डिफेंस में वो मेक इन इंडिया सब लोग घर में बैठ के यही नहीं बना रहे हैं किसी न किसी के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं जैसे आर्टलरी गन्स हैं तो वो साउथ कोरियन कंपनी उसके साथ मिलकर बनाई जा, तो मिल जा रही है तो ये सब चीज़ें मिलके बनाई जा रही हैं तो ये सब भारत में बननी शुरू हो जाएंगी लेकिन उस पर सबसे बड़ी बात देखने की है कि जितने जॉइंट वेंचर्स अभी आ रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए रक्षा उपकरण बनाने के लिए उसमें रूस के साथ कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं है वो सिर्फ एक है जो कि ए के टू जीरो थ्री राइफल बनाने के लिए अमेठी में फैक्ट्री है जो कि इतनी हाईटेक चीज नहीं है वो पब्लिक सेक्टर में वो पहले से शुरू हुआ था तो मैं समझता हूं कि डी अब शुरू हो गई है इसमें समय लगेगा क्योंकि कोई देश खास करके भारत जैसा देश जिसमें इतना अमीर तो देश नहीं है और करीब दो प्रतिशत अपने जी का डिफेंस पे रक्षा पे खर्च करता है वो एकदम सब कुछ नहीं बदल बदल सकता है तो हो सकता है कि अगले पाँच सात साल यही टैंक चलें काफ़ी जहाज़ ये चलें जैसे सुखवाई थर्टी है हुँ, हुँ, वो तो चलेगा भी कई साल आ, लेकिन कई नई चीज़ें आएंगी और आ, जिसको कहते हैं ना कि जो एक लाइन खे, लाइन खिंची हुई है ज़मीन के ऊपर उस लाइन को आप मिटा नहीं सकते तो उस लाइन को बड़ा कर सकते हैं जी। तो जब उस लाइन को बड़ा करेंगे तो जो बड़ा वाला अंश आएगा वो अब रूसी सामग्री का नहीं आएगा और वैसे भी मैं मैं क्यों इतना मैं क्यों आपको इतना आत्मविश्वास आप के साथ कह पा रहा हूं कि इस लाइन को जब लंबा करेंगे तो उसमें रूस का बहुत रूस की बहुत सामग्री नहीं आएगी उससे इक्विपमेंट नहीं आएगा वो सिर्फ इसलिए मिली कि भारत ना खरीदना चाहता हो सकता है कई चीजें रूस से सस्ती भी मिल, मिलनी अवेलेबल हो लेकिन इस समय रूस इतना लड़ाई में जुटा हुआ है जी। कि उसको सारी सामग्री अपने लिए ही कम पड़ रही हुँ, है हुँ, हुँ। बल्कि वो अब चीन के साथ कोशिश कर रहा है और उसी के लिए दुनिया को आशंका है कि कहीं चीन उनको एम्यूनेशन सप्लाई करना ना शुरू कर दे एम्युनेशन स्पेयर रिप्लेसमेंट क्योंकि अगर वो करेगा फिर ये लड़ाई इंडेफिनेटली चल सकती है क्योंकि तो रूस की जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उस टाइम उसी का काम उसी की जरूरत मुश्किल से पूरा कर पा रही है जी। तो उसके लिए इतना सोचना कि मेरे पास सरप्लस है है मैं भारत को, को दे दूं अभी बहुत मुश्किल होने वाला चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आशा करती हूँ आप सभी को एपिसोड पसंद आया हो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताते रहें क्योंकि हम बहुत ही ध्यान से आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thanks <laughs>